हेलो एंड गाइस, व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट नहीं किया, कर दो। क्या कर रहे हो, जाओ एक बटन दबाना लाल कलर का, जाके कर दो सब्सक्राइब बस। ठीक है गाइस, हम लोग बहुत करीब है 200 सब्सक्राइबर्स के। ठीक है गाइस, जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो प्लीज़ गाइस। जैसे आपको मालूम रहेगा, जॉन सीना तो रिटर्न आने वाले, ये मैंने अगले महीने कौन से पेपर व्यू में आएंगे, हम लोग जॉन सीना के 5 अपोनेंट के बारे में बात करेंगे, कौन से हो सकते हैं, इस माय प्रेडिक्शन। ठीक है, इस प्रेडिक्शन है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एक लाइक के साथ और एक सब्सक्राइब के साथ। चलो ठीक है, जैसे आपको मालूम रहेगा, जो 5th नंबर पर मैंने सुपरस्टार रखा है, मैंने पहली बार 5 जनों को रखा है। जो 5th नंबर पर सुपरस्टार है वो है द रेड आर सुपरस्टार एज, हमारे जो हील कैरेक्टर हील फैक्शन है उनकी डेमिन ब्रिज के साथ, मतलब उन्होंने अपनी फैक्शन बनाई है रेडेड आर सुपरस्टार एज ने। उसमें एक जना अभी ज्वाइंट हुआ है हमारे, वो है डेमियन ब्रिज, और जना ज्वाइंट होने वाले। ठीक है, तो हमें इनका मैच देखने को मिल सकता है, जो कि है हमारा ड्रीम मैच। ठीक है, ड्रीम मैच है। अगर ये मैच होता है कभी इन फ्यूचर, जॉन सीना वर्सेस द रेड आर सुपरस्टार एज। ठीक है गाइस, ये मैच अगर देखने को मिल गया कौन से पेपर व्यू में, कौन से लाइव इवेंट में, कौन से भी शो में देखने को मिलता है, या रेसल मीडिया में देखने को मिलता है, ठीक है गाइस, इसमें भी देखने को मिले, लेकिन ये मेरा फेवरेट मैच रहेगा कभी भी होएगा। ठीक है गाइस, तो ये 5th नंबर पे सुपरस्टार था। ठीक है गाइस, ये मैच बस हो जाए कन्फर्म कभी भी, लेकिन होना चाहिए। ठीक है गाइस, ठीक है, ये मैच कंफर्म होता तो मज़ा आएगा। ठीक है, जो 4th नंबर पे सुपरस्टार है वो है हमारे और कोई नहीं बल्कि हमारे ऑस्टिन थ्योरी। ऑस्टिन थ्योरी, ठीक है गाइस, ऑस्टिन थ्योरी है वो, मतलब जो हमारे सिम मैकमैन, मिस मैकमैन है, यानी और मतलब WWE के और चेयरमैन सिम मिस मैकमैन है वो। ठीक है, वो उनके जैसे, मतलब जैसे लाड पे चढ़ गए हमारे ऑस्टिन थ्योरी उनके। ठीक है, अभी इनको यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप का मैच मिल रहा है, ये आने वाले मंडे नाइट रॉ में। ठीक है, अगर वो यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन जीत जाते तो हमें फिर देखने को मिलता है रॉम जॉन सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी। ठीक है, ये मैच भी कुछ जनों का ड्रीम मैच है, कभी होएगा कभी होएगा मैच। ठीक है, ये भी अभी तक कन्फर्म नहीं, कभी होएगा कभी नहीं, जब भी होएगा, लेकिन बहुत बड़ा मैच होने वाला है। ठीक है गाइस, अभी रेटेड आर सुपरस्टार एज की जैसे, मतलब सब, मतलब जो जो जॉन सीना के साथ, उनके साथ ये 4th नंबर पे थे हमारे जॉन सीना के अपोनेंट प्रेडिक्शन ने ये। ठीक है गाइस, तो इतनी रात और रात को मैं वीडियो बनाता हूँ और सुबह अपलोड मतलब कर दूंगा, सुबह वीडियो आ जाएगी चैनल पे। एक्टिव रहो, जाओ सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करो। ठीक है गाइस, ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस सफाई नकल सफल हसल 16 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जॉन सीना। ठीक है गाइस, ये इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। जो 3rd नंबर पे रखा है वो रखा है मैंने Part 2 मैच है ये, मतलब जैसे कि आपको मालूम रहेगा जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर फॉर दी, जैसे आपको मालूम रहेगा WWE 2021 का समर स्लैम हुआ था, उधर जो हमारे ब्लॉक लेसनर थे रिटर्न है। हाँ हाँ, ठीक है, यहाँ पे कौन सवाल पूछ रहा है, तो मैंने बोला हाँ ठीक है। ठीक है, तो जो 2021 का समर स्लैम था, हाँ ठीक है गाइस, तो वहाँ पे ब्लॉक लेसनर ने रिटर्न किया रोमन रेंस के मैच में, और फिर जैसे समर स्लैम जाता है 2021 का, उधर क्या हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे ब्लॉक लेसनर है वो जॉन सीना को लगाते थे एक F5 और वो चले जाते हैं दूर, जॉन सीना वापस बॉलीवुड में चले जाते हैं जिधर उनका पहले काम था। ठीक है गाइस, बॉलीवुड अभी रूमर्ड ऐसी आ रही है कि वो, मतलब जो मनी इन द बैंक है उसमें रिटर्न करेंगे समर स्लैम, मतलब दो रूमर निकल के आ रही है, एक रेसलमेंडा बैंकलेस है, एक मनी इन द बैंक के लिए वो, क्योंकि समर स्लैम में गए थे और मनी इन द बैंक में रिटर्न की थी। ठीक है, अभी ये दो नाम निकल के आ रहे हैं, देखते हैं अभी कभी रिटर्न देखने को मिल सकती है। ठीक है, इस ब्लॉक लेसनर और जॉन सीना की, जो मैंने नंबर 2nd पे सुपरस्टार का है वो है
हमारे द सैडेस्ट वॉरियर द साइकोपैथ ड्रू मैकइंटायर, ठीक है। ये भी हमारा ड्रीम मैच है, ठीक है, जॉन सीना वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का, ठीक है। ये मैच है हमारा ड्रू मैकइंटायर वर्सेस मतलब जॉन सीना वर्सेस ड्रू मैकइंटायर फॉर दी मतलब कौन सा भी पेपर व्यू लाइव इवेंट में हो सकता है, ठीक है गाइस। अभी देखे कभी होता ये वाला मैच ड्रू मैकइंटायर वर्सेस जॉन सीना, ठीक है। अभी मेन इवेंट में मतलब ड्रू मैकइंटायर को लाने वाले WWE वाले वो मेन इवेंट में आएंगे, ठीक है गाइस। और अभी वो टाइटल पिक्चर में भी आने वाले मतलब मैच टाइटल पिक्चर के, ठीक है, ऐड भी हो सकते हैं, वो भी देखते क्या होता है इन फ्यूचर। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अभी रह चुकी है रेसल मीडिया 39 रेसल मीडिया 40 बहुत ना रह चुके, ठीक है गाइस, बहुत साले अभी आप लोगों को मालूम रहेगा, ठीक है। जो मैंने लास्ट एंड फर्स्ट सुपरस्टार रखा है हमारे द जॉन सीना द सिक्सटीन टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, ठीक है। पार्ट टू मैच है, पार्ट टू जैसे WWE समर स्लैम 2021 में देखने को मिला जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस फॉर द WWE यूनिवर्सल टाइटल मैच, और ये अभी मैंने पार्ट टू रखा है जैसे रोमन रेंस WWE रेसलमेनिया 38 में जीत गए थे नाइट टू में ब्रॉक लेसनर को हरा के, वो अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बन गए थे और WWE चैंपियन बन गए थे, ठीक है। तो ये हमें मैच देखने होता है दोनों चैंपियनशिप के लिए, जहाँ पे WWE चैंपियनशिप लगी रहेगी दाव पे और यूनिवर्सल चैंपियनशिप लगी रहेगी दाव पे, यानी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप लगी रहेगी दाव पे और यूनिवर्सल चैंपियनशिप लगी रहेगी दाव पे। ये मैच भी हमें कभी देखने को मिलेगा ही मिलेगा पार्ट टू, ठीक है। और अगर ये वाले मैच में जॉन सीना जीत गए दोनों टाइटल जीत जाएगी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाएंगे तो 16 टाइम के बदले चैंपियन 18 टाइम वर्ल्ड चैंपियन सबका रिकॉर्ड ब्रेक कर देते हमारे द जॉन सीना हकल नफल सकल जॉन सीना, ठीक है। अगर वो यूनिवर्सल चैंपियन बनेंगे तो 70 टाइम चैंपियन, WWE चैंपियन बनेंगे तो 18 टाइम, डबल चैंपियन बनेंगे तो 18 टाइम बन जाएंगे हमारे दर जॉन सीना हसल नगर सफल, ठीक है। अगर जॉन सीना रिटर्न करते सीधा के रोमन रेंस को चैलेंज कर देते तो एक मतलब बहुत शौक लगेगा, तो इनका मैच भी हमें इन फ्यूचर का भी वापस देखने को मिले पार्ट टू, ठीक है। वैसे आप कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो आपको ये वीडियो लाइक करना और जाके शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और ठीक है गाइस अपने दोस्तों को भी बोलना प्लीज़ रामोनी चैनल को जाओ सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।